आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, अखिलेश यादव के फैसले के बाद मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को उतारने के बाद उन्होंने नामांकन किया और नामांकन होते हुए भी बड़े बवाल यहां पर खड़े हो गए। देखिए, यादव परिवार में डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। अखिलेश यादव पहले तेज प्रताप सिंह यादव के नाम पर मोहर लगाने की सोच रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो स्थिति नकारती हुई नजर आई और उसके बाद हुआ ये कि अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। अब इस पर काफी ज्यादा बवाल तो खड़ा हो ही रहा था, लेकिन ऐसे में जब डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ मैनपुरी सीट पर नामांकन करने के लिए पहुंची तो वहां यादव परिवार के तमाम सदस्यों से मीडिया ने काफी सवाल जवाब किए और मीडिया ने सवाल जवाब जो किए उसमें कुछ ऐसा बड़ा निकलकर सामने आया दोस्तों, जिससे इस वक्त काफी बवाल मचा हुआ है और काफी सुर्खियां हैं उसको लेकर। अब देखिए, जब रामगोपाल यादव के साथ अखिलेश यादव डिंपल यादव पहुंचे थे नामांकन करने के लिए, उस दौरान रामगोपाल यादव से, जो कि भाई हैं मुलायम सिंह यादव के, उनसे पूछा गया कि क्या शिवपाल यादव से पूछकर डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस पर यहाँ पर सीधा सीधा रामगोपाल यादव ने झूठते ही जवाब दिया कि जो भी फैसला लिया गया है वो शिवपाल यादव से चर्चा करके लिया गया है। अब देखिए, मीडिया ने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि परिवार का हर सदस्य डिंपल यादव के नामांकन के वक्त वहां पर मौजूद था सिवाय शिवपाल यादव के। शिवपाल यादव वहां मौजूद नहीं थे। अब देखिए, शिवपाल यादव की तो कहीं ना कहीं तलखी भी नजर आ चुकी है पहले, जिस तरीके के बयान वो दे चुके हैं, और उस पर से अब जब वो यहाँ शामिल नहीं हुए तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो कितने नाराज हैं अभी भी भतीजे से और बहू से। तो यहाँ सीधा सीधे तौर पर जब रामगोपाल यादव से सवाल पूछा गया तो रामगोपाल यादव ने कहा कि भाई शिवपाल यादव से पूछकर निर्णय लिया गया है। पर जब मीडिया ने क्रॉस चेक किया शिवपाल यादव से कि क्या आपसे सचमुच पूछा गया है, क्योंकि रामगोपाल यादव तो ये कह रहे हैं, तो शिवपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नहीं, मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया, मुझसे कोई निर्णय पूछकर नहीं लिया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ ये भी हो सकता है कि शिवपाल यादव सीधे तौर पर नकारने की कोशिश कर रहे हो और शिवपाल यादव की कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ दिखाई दे रही हो, लेकिन रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया उसको सिरे से खारिज कर दिया शिवपाल यादव ने, जो कि उनकी नाराजगी तो जाहिर करता ही है। आगे आने वाले समय में मैनपुरी सीट पर शिवपाल यादव कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, इसके भी संकेत देता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।